जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ हाई कोर्ट की पब्लिक कैंटीन में। और ये सारे रोजेदार बैठे हुए हैं, बेचारे रोजेदार हैं, और ये सारे जो है ना यहाँ जो खोजा हो रहे हैं उन सबको ये जो है ना यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर, मतलब बाहर तो अलाउड नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन रमज़ान के अंदर ये सारा खोल के बैठे हुए हैं ये ठेकेदार यहाँ पे, क्योंकि इनको कमाना है, रमज़ान का एहतराम नहीं है। बाकी तो काफ़ी सारे वेटर्स यहाँ पे छोड़ छाड़ के जा चुके हैं रमज़ान के वजह से, और उसके बाद ये अब यहाँ पे रमज़ान में कैंटीन खोल के बैठे हैं, और ऊपर से उसके बाद ये कहते हैं कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। सबसे बदतमीज़ वेटर है इनका यहाँ पे शौकत नामी, जो कि पहले भी आपको दिखाया जा चुका है, और झूठे 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 मुकदमात में जो है ना गवाहियाँ देने आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये भाग जाते हैं झूठे मुकदमे की, जाहिर है गवाही दे नहीं पाते तो फिर ये भाग जाते हैं। और यहाँ पे रमज़ान का दिन है, आज 16वां रोज़ा है, और उसके बाद ये यहाँ पे जो है ना कैंटीन चला रहे हैं, पब्लिक कैंटीन चला रहे हैं, और रोज़े में अफ्तारी के दिनों में ये बाहर जो अलाउड नहीं है वो हाई कोर्ट की कैंटीन के अंदर पब्लिक कैंटीन में यहाँ पे सबको जो है ना खोजा खोर यहाँ आके खाना वाना खाते पीते, मैं ख़ुद भी खाती पीती हूँ क्योंकि मैं भी रोज़े नहीं रखती हूँ। तो ये है यहाँ के हालात, जो इन्होंने मेरे को यहाँ पे जो है ना तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल तो दिखाना आपका मकसद था कि हाई कोर्ट की कैंटीन में किसी को खाना खाना हो रमज़ान के दिनों में आके, तो वो यहाँ से बिल्कुल ओपनली आके खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम करना बहुत आसान है। अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट के अंदर आके कर सकते हैं, आप किसी के इंसल्ट करना चाहते हैं आप हाई कोर्ट के अंदर आके कर सकते हैं, या हर किस्म के क्राइम की मुकम्मल और खुली इजाज़त है। ओके जी, जज़ाकअल्लाह।